हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल में स्वागत है। जैसा कि बेटा आपको पता है कि आपकी एडवांस मैथ की जर्नी चल रही है और ऑलरेडी दो क्लासेस एडवांस मैथ की आपकी हो चुकी हैं। ये आपकी एडवांस मैथ की बेटा थर्ड क्लास है। अगर कोई बच्चा थर्ड क्लास देख रहा है तो ऐसी गलती ना करे, आपको सीरियल से क्लासेस देखना है। ओके, और आपको प्ले लिस्ट में सारी क्लासेस मिल जाएंगी फ्री में। बस बेटा आपका एक ही साथ चाहिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं, अब एडवांस में बेटा हमने कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लिया था। एडवांस में हमने कौन सा चैप्टर पढ़ने का प्रयास किया था? ज्योमेट्री, ज्यामिति। और बेटा इस ज्यामिति में आपको क्या क्या पढ़ना है एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पॉइंट, लाइन्स एंड एंगल। नेक्स्ट आपको ट्राइंगल पढ़ना है। नेक्स्ट आपको क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट पॉलीगॉन। एंड दिस लास्ट आपका सर्कल यानी वृत्त। इसमें बेटा आपको पांच पॉइंट पढ़ने हैं और स्टार्टिंग हमने कर दी थी पॉइंट, लाइंस एंड एंगल, बिंदु रेखा और कोण। बिंदु रेखा और कोण आपको दो क्लासेस ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएंगी, जिसमें आपको बिंदु रेखा और लाइंस एंगल की बिल्कुल भरपूर मात्रा में अच्छे से एकदम बिल्कुल कंसेप्ट वाइज आपको पढ़ाया गया है। तो आप सीक्वेंस से क्लास जरूर देखना। इसके बाद बेटा ये आपकी थर्ड क्लास है, अब देखते हैं कि कौन सा इसमें टॉपिक स्टार्ट किया जाए। इसमें हमने बिंदु भी देख लिया था, जिसमें हमने कहा था कि बिंदु और सर्कल में डिफरेंस बताइए आप, वो भी देख लिया था। इसके बाद लाइंस की चर्चा कर ली थी, एंगल्स भी पढ़ लिए थे। फाइनली अब आप सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं, इसमें अब बारी आती है कि जितना कुछ आपने पढ़ा है उसको यूटिलाइज कैसे करें ना। तो उसको यूटिलाइज करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जिसमें आपके क्वेश्चन होंगे। अब आपकी बारी आती है कि क्लियरिटी आपको अब होगी, क्योंकि पढ़ तो लिया सारा, हाँ अब यूज कैसे करें उसको, तो अब बात आती है ना। चलिए बेटा ये क्वेश्चन आपको सेकेंड क्लास में हमने होमवर्क में भी दिया था। जिसने होमवर्क में ये क्वेश्चन किया हो, आंसर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तो इस क्वेश्चन से स्टार्टिंग होती है, अपनी एक्सरसाइज होती है स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है ये। इन द गिवन फिगर, ये आपका फिगर है, एक्स की वैल्यू बेटा इसमें फाइंड करना है। क्या एक्स की वैल्यू इसमें आपको फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू। अब बात आती है किस बच्चे का कितना अच्छा दिमाग चलता है। कंसेप्ट तो सभी ने पढ़ लिए, अब यूज कैसे करें उसको। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, डरना मत, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूँ, क्योंकि उस बेसिक की बहुत अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए पहले से। देखिए आपको पता ही होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो बेटा योग होता है, सम होता है, कितना होता है 180 डिग्री। करेक्ट, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है कितना होता है 180। अब इसी को प्रूफ करेंगे हम। आप एक ट्रायंगल बनाइए, इनके वर्टेक्स, वर्टेक्स किसको बोलते हैं, ये जहाँ पे मिलती हैं। आपको बताई थी ट्रायंगल की डेफिनेशन भी आपको बताई थी, क्या तीन लाइनों से घिरी आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज। और जहाँ पे बेटा ये मिलते हैं इनको क्या बोलते हैं आप, वर्टेक्स। इनको हम बोलते हैं वर्टेक्स। और इन वर्टेक्स को डिनोट करने के लिए आपको कैपिटल लेटर से नेम देना पड़ेगा, इनकी साइडों को आप देंगे स्मॉल लेटर से। करेक्ट, एबीसी आपका एक ट्रायंगल है। प्रूफ करने जा रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो बेटा योग होता है कितना होता है 180 डिग्री। अब बीसी लाइन के पैरेलल, बीसी लाइन के पैरेलल आप एक लाइन खींचिए ऊपर। करेक्ट, इसके बाद आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था नेक्स्ट क्लास में, क्या अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल कितने थे आपके, दो, एक आपका एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक आपका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। करेक्ट, तो देखिए इसमें आप क्या क्लू वर्ड ढूंढते थे, जहां पे आपका बेटा जेड बन रहा है, सीधा जेड और उल्टा जेड। हाँ, एंगल आपके दो होते थे, एक आप अंदर वाला एंगल लेते थे, एक जेड बना के आप बाहर वाला एंगल लेते थे। करेक्ट,
ये देखिए, ये आपका एंगल क्या है बी, ये एंगल है आपका सी, ये एंगल है आपका सी। इसके बाद ये तो ऑलरेडी आपका ए है ही एंगल ना ए, तो देखिए आप जब यहाँ पे जेड बनाएंगे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण ये आपका बी है, तो ये भी बेटा आपका कितना हो जाएगा बी। एज अ सिमिलरली यहाँ पे भी आप जेड बनाएंगे तो ये एंगल बी है सी है, तो ये भी आपका कितना हो जाए एंगल सी। और आपको पता है ये सीधी रेखा पे बने सभी कोणों का बेटा जो योग होता है कितना होता है 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल पढ़ा था ना। चलिए तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, समझ पाए? बहुत बढ़िया। इसके बाद एक कंसेप्ट और आपने पढ़ा होगा कि त्रिभुज के दो कोणों का योग बाहरी वाले कोण के बराबर होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर अपोजिट एंगल, उसको भी प्रूफ करते हैं। एक आप फिर से ट्रायंगल बनाइए, इनके वर्टेक्स को हमेशा आप कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, ये बात आप कभी ना भूलें। ये आपका एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी। इसके बाद प्रूफ क्या कर रहे हैं, त्रिभुज के दो अंता कोणों का योग तीसरे कोण के बाहरी वाले कोण, तीसरा जो आपका कोण है उसके बाहरी वाले योग के बराबर होता है। ये आपने प्रूफ किया कि सीधी रेखा पे बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए यहां से एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, और बेटा ये सी इधर प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सी आपका माइनस का। ये आपकी सेकंड सिचुएशन बन गई। अब हम कह सकते हैं ना, अब इसको प्रूफ भी कर लिया, अब देख भी लेते हैं फिगर के माध्यम से अच्छे से और समझ में आएगा। ये आपका ऑलरेडी एंगल ए है आपका, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका जो एंगल ए है ये बी है, ये जो आपका सी एंगल है ना इसके बाहर वाले कोण के बराबर होता है, इसके बाहर वाले कोण के बराबर होगा एंगल ए प्लस एंगल बी, करेक्ट? एंगल ए प्लस एंगल बी, इतनी बात समझ में आई? प्रूफ भी देख लिया कैसे, ठीक है। यहाँ पे आप नोट बना के भी लिख लें कि त्रिभुज के सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर अपोजिट एंगल। हिंदी में लैंग्वेज देख लेते हैं, त्रिभुज के दो कोणों का योग त्रिभुज के, ये त्रिभुज को डिनोट करने का बेटा ये सिंबल होता है, त्रिभुज के दो कोणों का जो बेटा योग होता है, कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर होता है, दो कोणों का योग तीसरे वाले कोण के बाहरी, तीसरा वाला जो आपका कोण है इसके बाहर वाला ये इसके बराबर होता है, तीसरे कोण के बराबर होता है। Isn't it? समझ में आया? प्रूफ भी देख लिया और लैंग्वेज भी लिख ली। अब आप उस क्वेश्चन को करने के लायक कंसेप्ट पा चुके हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या था आपका ये। अब इससे पहले आप बेटा देखिए कि इस लाइन पे आइए, आप सब कुछ भूल जाइए, दोनों आपकी पैरेलल लाइन है ई और बी, करेक्ट? अब देखिए एक सीधी लाइन पे कितने डिग्री का कोण बनता है, एक सीधी लाइन पे 180 डिग्री का। आप कहेंगे कि 180 डिग्री का बनता है, वो उस 180 डिग्री में 105 डिग्री पहले ही निकला है, तो 180 डिग्री में 105 डिग्री जब आप लेस करेंगे तो अंदर वाले का मान कितना आ जाएगा 75 डिग्री, करेक्ट? 75 डिग्री। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे
इस वाली लाइन पे आइए और देखिए बेटा, इस लाइन पे जब आएंगे तब संगत कोण की कंडीशन बन रही है, हाँ करस्पोंडिंग एंगल, ये आपका 45 डिग्री है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा एंगल 45 डिग्री, करेक्ट। इतनी बात समझ में आई। अब आप प्यारे तरीके से एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। देखिए एक्स एक्स प्लस 45 प्लस 75 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों लिखा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है कितना होता है 180 डिग्री। अब देखिए यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं आसान तरीके से, 45 और 75 को जब उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, करेक्ट, क्या हो जाएगा माइनस में। तो आप इसको ऐड करिए कितना हो जाएगा, 45 और 75 को जब ऐड करेंगे ये इधर प्लस की वैल्यू उधर जाएगी तो हो जाएगी माइनस की, ये हो जाएगा 120। और एक 180 में जब 180 से 180 को लेस कीजिए कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो x की वैल्यू आराम से कितनी आ गई आपकी 60 डिग्री। फिर से रिपीट कर देते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा आपका राइट है, ऑप्शन नंबर ए। फिर से रिपीट कर देते हैं, इस क्वेश्चन में क्या किया हमने, सबसे पहले इसमें क्या किया आपने, इस वाली लाइन पे है, सीधी वाली लाइन पे, इसमें आपने देखा कि एक सीधी लाइन पे बने सभी कोणों का जो योग होता है कितना होता है 180 डिग्री। उस 180 डिग्री में ये पहले ही 105 डिग्री निकल चुका है, तो 180 से लेस करेंगे ना, जब आप 180 से लेस करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी इस एंगल की 75 डिग्री। इसके बाद सेकेंड आपने क्या देख किया कि ये आपने इस वाली लाइन पे आए और देखा कि संगत कोण बन रहे हैं, करस्पोंडिंग एंगल, तो संगत कोण में ये वाली इस रेखा पे जब आइए तो ये वाला जो आपका जितना एंगल है उतना ही आपका ये वाला एंगल का मान होगा, तो कितना हो जाएगा ये 45 डिग्री। अब आप x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, x की वैल्यू आप फाइंड कीजिए। तो अब आप x की वैल्यू यहाँ पे निकालने के सक्षम हैं, x की वैल्यू आपने निकाल ली, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट, ये आपने कंसेप्ट देख लिया, प्रूफ भी देख लिया, लैंग्वेज भी देख ली, ये बात आपको अभी फिलहाल के लिए याद रखनी है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए आपका क्या क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, पढ़िए क्या लिखा, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ये आपका पैरेलल को संबोधित करने का निशान होता है क्या, दो वर्टिकल लाइन, आपको बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल बता दिया गया था, अब आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए ए बी पैरेलल सी डी एंड सी ए सी पैरेलल बी डी, ए सी पैरेलल बी डी, इसके बाद एंड एंगल ई ए सी की वैल्यू कितनी दी गई है 40 डिग्री। आप देखिए एंगल ई ए सी कहाँ पे है, एंगल ई ए सी ये वाले एंगल की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 40 डिग्री, करेक्ट, कितना दिया गया है 40 डिग्री। इसके बाद एंगल एफ डी जी, एंगल एफ डी जी ये है आपका, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 55 डिग्री। आगे देखिए एंगल एच ए बी, एंगल एच ए बी इज इक्वल टू एक्स, एंगल एच ए बी, एंगल एच ए बी इज इक्वल टू कितना दिया गया है, देखिए आप एंगल एच ए बी, एंगल एच ए बी कितना दिया गया एक्स, करेक्ट। इसके बाद आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको x की वैल्यू, सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए आप, आपको x की वैल्यू पहले फाइंड करनी है ना, तो आप दिमाग लगाइए कि x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे आप, हाँ कंसेप्ट तो सभी ने पढ़ लिया ना, अब देखते हैं किस बच्चे का कितनी जल्दी आंसर आता है। सबसे पहले आप इस वाली लाइन पर आइए और देखिए संगत कोण बन रहे हैं ना, करस्पोंडिंग एंगल, तो ये आपका 45 है तो ये एंगल भी आपका कितना हो जाएगा, सॉरी 55 है तो ये भी आपका हो जाएगा 55 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखिए ये एक्स का सिंबल बन रहा है और मैंने कहा था जहां कहीं भी एक्स का सिंबल बने, जहां कहीं भी एक्स का फिगर बनता हुआ दिखे तो क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल के कारण आमने सामने के कोण आपके इक्वल होंगे, तो ये 45 तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 55 है, सॉरी ये 55 है तो 55 हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे
नेक्स्ट यहाँ पे इस वाली लाइन पे आइए, सीधा सीधी लाइन ये वाली है ना, इस वाली लाइन पे ये देखिए यहाँ पे भी क्या बन रही है आपकी बेटा, संगत करस्पोंडिंग एंगल। ये आपका एक्स है तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा आपका एक्स, करेक्ट। अब आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से, देखिए एक्स प्लस 40 प्लस 55 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है कितना होता है 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, एक्स प्लस इसको आप जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 95 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके बाद आप एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड करिए कितना आ जाएगा 180 डिग्री में, जब आप 95 लेस करेंगे 180 डिग्री में, जब आप 95 लेस करेंगे तो एक्स की वैल्यू आप निकाल लेंगे। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या किया था, सबसे पहले तो देखा इसकी वैल्यू आपको गिवन थी कितनी थी 55 डिग्री और ई ए सी इसकी वैल्यू कितनी है 40 डिग्री। इसके बाद आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है, ये देखिए इस वाली लाइन पे आइए और देखिए कि ये एंगल संगत में है दोनों ना, तो ये 55 है तो ये भी आपका हो जाएगा 55। फिर नेक्स्ट क्या किया, वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्रॉस का निशान बन रहा है तो ये 45 है, ये आपका 55 है तो ये भी हो जाएगा आपका 55। इसके बाद इस वाली लाइन पे आइए आप, कौन सी, ये वाली लाइन पे, यहाँ पे भी देखिए बेटा संगत बन रही है, ये आपका एक्स है तो ये वाला एंगल भी आपका हो जाएगा एक्स। इसके बाद आपको x की वैल्यू ही फाइंड करनी है, तो आपने लिखा x प्लस 40 प्लस 55 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके बाद आपने इसको ऐड किया तो अब आप x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, समझ में आई ये बात, एक से दो बार आप रिपीट कर लेना वहाँ पे, करेक्ट, एक से दो बार आप रिपीट कर लेना। अब आप x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं कितनी आ जाएगी 85 डिग्री, कितनी 85 डिग्री, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट आपका 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन द फिगर ई एफ पैरेलल सी डी ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपकी दोनों क्या है पैरेलल। इसके बाद प्रूव ए बी पैरेलल सी डी, ए बी रेखा और सी डी रेखा को आपको पैरेलल प्रूफ करना है, चलिए इसको भी करते हैं। देखिए मैंने क्या कहा था, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल, क्रमागत आंतरिक कोण, जहां पे आपका यू बनता है, क्या बनता है यू, तो क्या बोलते हैं कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल, क्रमागत आंतरिक कोण, तो इनका दोनों का जो बेटा सम होता है अल्फा प्लस बीटा कितना होता है 180 डिग्री, करेक्ट, कितना 180 डिग्री। तो इसी कंसेप्ट का आप यहाँ पे यूज कीजिए और देखिए यहाँ पे यू बन रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल बन रहा है, और जहां आप कहीं भी यू बनता है तो दोनों का जो बेटा सम होता है कितना होता है 180 डिग्री, करेक्ट। तो उस 180 डिग्री में पहले ही 165 निकला हुआ है, तो 180 से जब आप 65 घटाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 15 डिग्री, है ना 15 डिग्री। अब आपको प्रूफ क्या करना है, ए बी और सी डी लाइन को आप पैरेलल करके प्रूफ करना है, तो देखिए आप प्रूफ हो चुका है ये, देखिए इस एंगल की वैल्यू कितनी है 40, कितनी है बेटा आप बोलेंगे 40, और 25 और 15 को आप जब जोड़ेंगे तो ये इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 40 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे एक बात आपको फिर से ध्यान देनी है, क्या कि ये देखिए जब आपका जेड बनता था, हाँ जेड आपके दो कंडीशन में बनता था, एक आपका इंटीरियर और एक आपका एक्सटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट कंसेप्ट से ना, तो देखिए ये अगर एंगल आपके इक्वल होंगे, ये मान लो 40 है तो ये भी आपका 40 है ना, अगर एंगल इक्वल है तो बेटा ये इस वाली साइड भी इक्वल होंगी, तो इसका कन्वर्स आप ये भी कह सकते हैं, अगर साइड इक्वल है तो आपके एंगल भी इक्वल होंगे, करेक्ट, अगर साइड इक्वल हैं तो आपके एंगल भी इक्वल होंगे, अगर आपके एंगल इक्वल हैं तो आपके साइड भी इक्वल होंगे। जब आपको फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ाएंगे,
हाँ, जब ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे तब आपको वहाँ पे अच्छे से क्लियरिटी और होगी कि अगर त्रिभुज एक है आपका, ये आपका क्या है, एक त्रिभुज। हाँ, अगर त्रिभुज की साइड आपकी तो कोई भी दो साइड अगर इक्वल है तो इनके सामने वाला जो बेटा आपका कोण होगा, तो देखिए इस साइड के सामने कौन सा कोण है आपका, ये वाला। इस साइड के सामने कौन सा कोण है, ये वाला। हाँ, तो कह सकते हैं अगर साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा, इसका कन्वर्स भी कह सकते हैं, अगर एंगल इक्वल है तो साइड भी इक्वल होगा, करेक्ट। अब आप आई होप समझ पाए होंगे, तो आप कह सकते हैं ना कि ए बी पैरेलल सी डी। क्यों? क्योंकि जो एंगल है आपके, एंगल जो है दोनों क्या है, इक्वल, करेक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, फोर्थ नंबर। हाँ, देखिए क्या दिया गया फोर्थ नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। अलग अलग नहीं, दोनों का सम एक साथ आपको देना है, ए और बी। अब देखिए ए आपका यहाँ है और बी आपका यहाँ पे है। इसको देखिए दो तरीके से कर सकते हैं आप, आपको पहले बेसिक बता दें उसके बाद आपको स्मार्ट अप्रोच बताएंगे, हाँ, एरो कंसेप्ट से। चलिए पहले तो बेसिक देखते हैं, आप इस वाले एंगल पे आइए, सबसे पहले इस वाली साइड पे आइए, हाँ, इस वाली लाइन पे आइए आप। अब सीधी रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनता है, आप कहेंगे 180 डिग्री का, करेक्ट। अब 180 डिग्री में पहले ही आपका 130 डिग्री बाहर निकल रहा है, पहले ही सही है, तो इस एंगल का मान कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 50 डिग्री, करेक्ट। अब आपको यहाँ पे देखिए एक कंसेप्ट आपको पढ़ाया था मैंने, अब उस कंसेप्ट का आप यहाँ पे यूज करने वाले हैं, क्या, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर अपोजिट एंगल। त्रिभुज के दो कोणों का जो योग होता है तीसरे कोण के बाहरी वाले कोण के बराबर होता है, देख भी लिया था। अब आप इसका यहाँ पे यूज करेंगे इस वाले क्वेश्चन पे, तो देखिए अब नेक्स्ट आप इस वाले एंगल पे आइए, इस वाले एंगल पे, तो देखिए त्रिभुज के दो कोणों का योग बाहरी वाला जो कोण होगा बेटा उसका उसके बराबर होता है, करेक्ट। फिर से रिपीट करते हैं, क्या, आप इस वाले एंगल पे आइए और त्रिभुज के बेटा दो कोणों का जो योग होता है बाहरी वाले कोण के बराबर होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 50 प्लस बी। अब देखिए आपको यहां से एक एंगल आपका ये है, एंगल की वैल्यू आप ये है और ये है और ये है, तीनों एंगल की वैल्यू है आपकी कुछ। अब आप यहां से आसान तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं ए प्लस बी की, देखिए ए प्लस 50 प्लस बी, करेक्ट बेटा, 50 प्लस बी। इतनी बात समझ में आई, और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो बेटा योग होता है, अब आप जब इस एंगल पे आ चुके हैं फाइनली, हाँ, ए बी सी एंगल कहाँ पे आ गए, अब ए बी सी, तब आप इज इक्वल टू 180 डिग्री से लेस करेंगे ना, आपको निकालना क्या है, ए प्लस बी की वैल्यू। तो ए प्लस बी को आप एज इट इज रखिए, उसके बाद 180 डिग्री, 50 और 50 को आप ऐड करेंगे और उस साइड ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा, माइनस के। अब आप ए प्लस बी की वैल्यू आप निकाल लेंगे कितनी आ जाएगी, 80 डिग्री, करेक्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा 80 है, ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट है बेटा, ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब हम आपको यहाँ पे, ये तो अभी मैथड वन से बताया आपको, क्या, बेसिक से मैथड वन, अब आपको स्मार्ट अप्रोच बता रहे हैं, और यहाँ पे आपको कंसेप्ट सिखाएंगे, पर अभी नहीं, एक बेसिक और क्वेश्चन कर लें इसके बाद आपको एरो कंसेप्ट सिखाएंगे, तब आप देखेंगे कि इसी क्वेश्चन को आप कितनी जल्दी से कर लेंगे, बताएंगे, धैर्य बना के रखिए बस। अब देखिए इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ए बी रेखा जो है वह सी डी रेखा के पैरेलल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है बेटा, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कितना भयानक क्वेश्चन लग रहा है ना, बहुत ही इजी है, देखिए कैसे। सबसे पहले आप इस वाले एंगल पे आइए, इस वाले एंगल पे, और इस वाली लाइन को आप बढ़ा दीजिए यहाँ पे, मैंने क्या कहा, इस वाले एंगल पे आइए और इस वाली लाइन को इसमें मिला दीजिए,
आपने जस्ट अभी कंसेप्ट पढ़ा था क्या, त्रिभुज के दो कोणों का जो योग होता है तीसरे कोण के बाहरी वाला जो होगा उसके बराबर होगा। तो 3 + 4 कितना हो जाएगा, ये 7x, कितना हो जाएगा 7x। इसके बाद देखिए इस लाइन को बेटा आप और नीचे थोड़ा लाइए, इस वाली लाइन को। हाँ, जब आप इस वाली लाइन को नीचे लाएंगे तो देखिए यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहा है, ये 5x है, तो ये एंगल की वैल्यू भी कितनी निकल आएगी, 5x, करेक्ट, कितनी 5x। और देखिए त्रिभुज के दो कोणों का जो बेटा योग होता है कितना होता है, तीसरे वाला जो एंगल है उसके बाहर वाले योग के बराबर होता है। 5 + 6 कितना हो जाएगा, ये 11x, 11x। अब देखिए यहाँ पे u बन रहा है ना, यहाँ पे देखिए u बन रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल बन रहा है u, तो जहाँ कहीं भी u बनता है तो ये जो कोणों का जो योग होता है कितना होता है, 180 डिग्री। तो 7x + 11x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए x की वैल्यू आप आसान तरीके से यहाँ से निकाल सकते हैं, आप कितना हो जाएगा 18x, 18x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू आप निकालेंगे कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आप जब निकालेंगे यहाँ से कितनी आ जाएगी, 10 डिग्री। x की वैल्यू आएगी कितनी, 10 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। फिर से रिपीट कर देते हैं क्या किया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखिए एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, सबसे पहले क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़िए कि पूछा क्या गया है और आपको फाइंड क्या करना है, मतलब हाँ गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। देखिए एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, मैंने कहा इस वाली लाइन को आप डॉटेड फॉर्म में मिला दीजिए, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर अपोजिट एंगल, हाँ इसके बाहरी वाले योग के बराबर हो जाए, कितना हो जाएगा ये 7x, करेक्ट। सेकेंड क्या किया, सेकेंड हमने ये किया कि इस वाली लाइन को आपने इस वाली लाइन से मिला दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्रॉस का सिंबल बन रहा है, क्रॉस का निशान, जहाँ कहीं भी क्रॉस का निशान बनता है तो वर्टिकल अपोजिट से दोनों एंगल आमने सामने के बराबर होते हैं, करेक्ट। तो ये 5x है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आपकी, 5x, हाँ इस एंगल की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 5x। इसके बाद फिर से देखिए ना, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर अपोजिट एंगल, त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे वाले कोण के बराबर होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 + 6x कितना हो जाएगा, 11x। फिर थर्ड आपने क्या किया, इसके बाद आपने ये किया कि देखिए यहाँ पे u बन रहा था ना, यहाँ पे देखिए ऐसे ये u बन रहा है, ये क्या u बन रहा है, जहाँ कहीं भी u का सिंबल बनता है तो ये जो कोने वाले एंगल होते हैं दोनों कॉर्नर वाले, ये आपस में इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो आपने प्यारे तरीके से x की वैल्यू यहाँ से बिल्कुल आसान वे में निकाल ली, समझ में आया, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए अब आपकी बारी आ गई है क्या, एरो कंसेप्ट को सीखने की, हाँ एरो कंसेप्ट की सीखने की। चलिए हेडिंग डालिए एरो कंसेप्ट, एरो कंसेप्ट वो वाला नहीं दिल वाला, हाँ एरो कंसेप्ट। चलिए अब एरो का नाम लिया तो कोई बच्चा ये नहीं कह देगा कि ऐसे ये वाला एरो, हाँ यहाँ पे कोई अपना पार्टनर का नाम लिख दे, ऐसा नहीं, ये वाला एरो नहीं है। चलिए जस्ट किडिंग, एरो कंसेप्ट, सबसे पहले आप फिर से रिपीट करिए कि क्या, अभी आपने पढ़ा कि त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है बेटा कितना होता है, 180 डिग्री, करेक्ट। ए बी सी इज इक्वल टू कितना होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अभी आपने जस्ट ये प्रूफ के माध्यम से देख भी लिया। इसके बाद आप पढ़ के आ रहे हैं अब एरो कंसेप्ट, तो एरो कंसेप्ट आपको बेटा ये बताता है कि फिर इसी वाले नेक्स्ट पे आइए, इसमें और आपने क्या पढ़ा नेक्स्ट, कि त्रिभुज के जो बेटा दो कोणों का योग होता है
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये जो दोनों कोणों का योग होता है बेटा तीसरे वाले कोण के इक्वल होता है। हाँ, ये एंगल ए है आपका, ये एंगल बी है, तो ये तीसरा वाला जो कोण है इसके इक्वल में होगा ए प्लस बी। करेक्ट, ये अभी आपने अच्छे तरीके से देख लिया। अब आप पढ़ क्या रहे हैं, एरो कंसेप्ट, तो बना दीजिए एरो, एरो लगे भी तो एरो बनाइए। अब देखिए इस एंगल को ए, ये आपका एंगल बी है, लेट किया, ये आपका एंगल सी है। तो एरो कंसेप्ट आपको बेटा ये बताता है कि ये जो तीनों कोणों का जो योग होता है ये इस वाले एंगल के, ये वाला जो बाहरी एंगल है इसके बराबर होता है, ये मान लो थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, मतलब क्या ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल में हो जाएगा। ये किसकी कंडीशन है, एरो कंसेप्ट की। देखिए इसको फिर से देख लेते हैं, आप एरो को फिर से देख लीजिए, आप फिर से आप एरो को देख लो, एरो बनाइए आप। अच्छे तरीके से मैं एंगल के आप कुछ वैल्यू दे दो, ये ए ये बी ये सी। अभी आपने क्या पढ़ा, इन तीनों को जो बेटा योग होगा इस बाहरी वाले एंगल के बराबर होगा। करेक्ट, ये पढ़ा अभी आपने। देखिए इसको भी प्रूफ करते हैं, यहाँ पे आप इसको पार्ट में बांट दीजिए और एक डॉटेड लाइन खींच दीजिए सी तक। करेक्ट, सी तक है करेक्ट लाइन, ये आप खींच दीजिए। और जस्ट अभी आपने क्या पढ़ा, और यहाँ पे और नाम दे दीजिए ए बी, या आप ऊपर दे दीजिए, ये आपका सी है, ये आपका डी। करेक्ट, इसके बाद जस्ट अभी आपने पढ़ा कि त्रिभुज के दो कोणों का योग, त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे वाले कोण के बराबर होता है, तो ये कितना हो जाएगा ए प्लस सी, ए प्लस सी। करेक्ट, एज अ सिमिलरली नीचे वाले भी एंगल पे आइए आप, इस वाले एंगल पे त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे वाला जो है उसके बाहरी वाले कोण के बराबर होता है, तो होता है तो बी प्लस डी। हाँ, बी प्लस डी, तो आप कह सकते हैं ना कि इनके अंदर वाले का जो योग होगा बाहरी वाला जो थीटा एंगल होगा उसके इक्वल में होगा, तो कह सकते हैं ना आप। इसलिए ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी, दोनों आपस में इक्वल में। करेक्ट, कुछ इस प्रकार से भी फिगर आपको याद रखना है। और एक आप ये भी देख लीजिए, एरो कंसेप्ट का ही है ये, कि आपका फर्स्ट है, फर्स्ट इमेज कुछ इस प्रकार की बन सकती है, सेकंड इमेज कुछ इस प्रकार की बन सकती है। देखिए हाँ, ये एम आप याद रखेंगे कहाँ एम बन रहा है, हाँ एम, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी m बनेगा तो ये आपको मान लो ये आपका अल्फा है, ये बीटा है, तो ये अल्फा प्लस बीटा का जो बेटा सम होगा कितना होगा, इस वाला को ये कोई एंगल होगा आपका थीटा, इसके इक्वल में होगा। तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। ये थी आपकी बेटा एरो कंसेप्ट की बात, है ना, वो वाला एरो नहीं था जो आप समझ रहे थे, एरो मतलब ये वाला। करेक्ट, रिपीट कर लेते हैं क्या एरो कंसेप्ट पढ़ा। एरो कंसेप्ट पढ़ने से पहले आपको एक कंसेप्ट और मैंने बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180 डिग्री, आप कहेंगे बिल्कुल। इसके बाद सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर अपोजिट एंगल, करेक्ट। इसके बाद एरो कंसेप्ट सीखा यहाँ पे कि मतलब क्या, इनका जो बेटा योग होगा अंदर वाले का ये बाहरी वाले कोण के बराबर होगा। इसकी दो इमेज भी आपने ड्रॉ करके देख ली कि इस प्रकार से भी आ सकता है और इस प्रकार से भी, जहाँ कहीं भी M बने, हाँ M, तो इनका जो अंदर वाले का योग होगा ये कोण यहाँ पे होगा उसके इक्वल में होगा, आपने देख भी लिया प्रूफ के माध्यम से। अब बारी आती है कि क्या क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन अपना ये था 6 नंबर क्वेश्चन आपका ये है, इसको करते हैं सॉल्व, इसको करते हैं सॉल्व। इन द गिवन फिगर ब्लो ए बी पैलर सी डी, ए बी पैलर सी डी, ए बी पैलर, ए बी पैलर सी डी, ये आपस में दोनों क्या है पैलर रेखा, हाँ
और ये भी आप यहाँ पे कर लेना कि ये आपस में दोनों पैरेलल होंगी यहाँ पे, ये जहाँ M बनेगा ये आपस में रेखा दोनों पैरेलल होंगी। ये कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को आपने समझ लिया एरो कंसेप्ट के माध्यम से। आप देखिए कितनी जल्दी तरीके से आप निकाल लेंगे इसकी वैल्यू। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस वाली लाइन पे आइए, इस वाली रेखा पे, और देखिए एक सीधी रेखा पे कितने डिग्री कोण बनता है। आप बोलेंगे 180 डिग्री, तो उस 180 डिग्री में पहले ही 110 डिग्री निकल चुका है, तो 180 से माइनस करेंगे ना तो ये कितना आ जाएगा आपका 70 डिग्री, करेक्ट, कितना आ जाएगा 70 डिग्री। और जस्ट अभी आपने पढ़ा कि जहां कहीं भी आपको M बनता हुआ दिखे, क्या M बनता हुआ, ये देखिए M बन रहा है, तो इन दोनों का जो बेटा योग होगा इस वाले एंगल के बराबर होगा। प्रूफ से आपने सॉल्व भी किया था, कंसेप्ट को आप समझ भी लिए, और क्वेश्चन आप देखिए कितने आसान वे में कर सकते हैं यहाँ से। तो 70 प्लस 35 इज इक्वल टू 2x प्लस 15 डिग्री, करेक्ट। चलिए इसको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा आपका 105 डिग्री इज इक्वल टू 2x प्लस 5। फिर से रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, पहले x की वैल्यू आप निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ से ये 15 इधर आएगा तो माइनस को हो जाएगा ना, चलिए इसको भी माइनस का, बिल्कुल एक भी मिस्टेक आपकी स्किप नहीं कर रहे हैं, इसीलिए बिल्कुल विधिवत तरीके से आपको बिल्कुल बताया जा रहा है। इसके बाद 105 में से 15 जब आप लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 90 इज इक्वल टू 2x, और आपको 2x की वैल्यू नहीं बेटा निकालनी, आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 45 डिग्री, x इज इक्वल टू 45 डिग्री। और देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका 45 डिग्री, ए नंबर आपका करेक्ट है, x की वैल्यू ही आपको फाइंड करनी थी। फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं, क्या था, अच्छा क्वेश्चन है भाई आपका, ये कंडीशन दी गई थी ए बी रेखा और सी डी रेखा आपकी जो है बेटा पैरेलल है, करेक्ट। इसके बाद आपने अपने अप्रोच से अब इसको सॉल्व करने का प्रयास किया, तो सीधी इस वाली लाइन पे आइए, देखा और कहा कि सीधी लाइन पे 180 डिग्री कोण बनता है, उस 180 में से पहले ही 110 निकल गया है, तो 180 से माइनस करेंगे ना तब बचा हुआ एंगल का वैल्यू निकलेगी, तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या एरो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और एरो कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपने क्या देखा कि जहां भी आपका M बनता हुआ दिखे, हाँ, तो इन दोनों का जो योग होगा इस वाले एंगल के बराबर होगा, आपने लिख लिया, और बिल्कुल बच्चों की तरह सॉल्व करके आपने X की वैल्यू बिल्कुल आसान तरीके से निकाल ली, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट एरो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, एरो कॉन्सेप्ट से माध्यम से आप लगाइए, बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आप देखेंगे इस वाली लाइन पे आइए, दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बेटा इसमें आपको फाइंड करनी है। इस वाली लाइन पे आप जब आएंगे तो सीधी रेखा बन रही है, उस सीधी रेखा पे 180 डिग्री कोण बनता है, आप कहेंगे बिल्कुल करेक्ट सर। इसके बाद 180 में से 133 डिग्री पहले ही निकल गया, जब आप 180 से 133 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 47 डिग्री, करेक्ट। इसके बाद आप इस वाली लाइन पे आइए, सेकंड आप इस वाली लाइन पे आइए, और एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री कोण बनता है, करेक्ट, उस 180 में से 143 डिग्री आपका पहले ही निकल चुका है, तो आपको 180 से लेस करना पड़ेगा तभी बचे हुए एंगल की वैल्यू आप निकाल पाएंगे, करेक्ट। तो 180 में से जब 143 आप लेस करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 37 डिग्री, कितनी बेटा 37 डिग्री। अब आप देखिए एरो कॉन्सेप्ट का यूज कीजिए और x की वैल्यू एक बार में ही आप निकाल लेंगे। तो एरो कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए आपको क्या बताया गया था कि जहां कहीं भी आपका m बनता हुआ दिखे, तो देखिए यहाँ पे m बन रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल m बन रहा है, तो जहां कहीं भी M बनता है तो एरो कंसेप्ट आपको यह सिखाता है कि इन दोनों का जो योग होगा इसके बार वाले योग के बराबर होगा। तो x इज इक्वल टू 37 प्लस 47, करेक्ट, 37 प्लस 47,
अब आप x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं ना, बिल्कुल। फिर से रिपीट कर दें, चलिए फिर से रिपीट कर देते हैं इसको। सबसे पहले आपने देखा इस y लाइन पे आए आप, तो एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री कोण बनता है, करेक्ट। उस 180 में से 143 पहले ही से निकल गया है, तो आपका कितना हो जाएगा, 47 डिग्री। अब फिर आप नेक्स्ट इस वाई लाइन पे आइए, 180 डिग्री कोण बनता है सीधी रेखा पे, 143 पहले से निकल गया, तो ये कितना हो जाएगा, 37 डिग्री। अब फिर आपने क्या देखा कि यहाँ पे तो M बन रहा है, और ये आपने जस्ट क्लू आपने पढ़ लिया है, जहाँ कहीं भी आपका M बनता है तो इन दोनों का जो योग होगा इसके बारी वाले योग के बराबर होगा इस वाले एंगल के। तो यहाँ से आप x की वैल्यू बिल्कुल आसान वे में निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगी x की वैल्यू आपकी, आ जाएगी 84 डिग्री। x की वैल्यू आपकी आ गई 84 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी टी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। समझ में आया, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका 8 नंबर है, ये आपको कतई जहर लग रहा होगा, हाँ सोच रहे होंगे कैसे करें इस वाले क्वेश्चन को। ये भी आपका एरो कंसेप्ट पर ही आधारित है। देखिए, अगर आपने एरो कंसेप्ट सीखा है अच्छे से तो आप इसको वहाँ पे यूज कर सकते हैं ना। चलिए, अगर इस वाली रेखा को अब आगे डॉटेड फॉर्म में अगर आगे बढ़ा दें तो कोई दिक्कत नहीं, एज अ सिमिलरली इस वाली रेखा को भी आप आगे बढ़ा दें। अब आप देखिए यहाँ पे M बनता हुआ दिख रहा है, आप बोलेंगे बिल्कुल बन रहा है M। देखिए कहाँ पे M बन रहा है, ये ठीक है, एरो कंसेप्ट लगा सकते हैं। इससे पहले आपको ये देखना है कि इस वाले एंगल की वैल्यू भी तो आपको फाइंड करनी है। अब देखिए एक सीधी रेखा पे कितने डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का, उस 180 में से 8 एंगल ए आपका पहले ही निकल गया है, तो 180 से लेस करेंगे तो इस एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी आपकी 180 माइनस ए। सिमिलरली आप इस वाली लाइन पे भी आइए, और एक सीधी रेखा पे ये आपका ए नहीं अल्फा है, अल्फा ठीक है, ये आपका अल्फा, तो 180 माइनस अल्फा, करेक्ट। आपको अल्फा ऐसे भी बनाते ए एकदम स्टाइलिश से, ये और अल्फा ऐसे भी बनाते हैं, करेक्ट। चलिए, हाँ इसकी वैल्यू आ गई 180 माइनस अल्फा। सिमिलरली आप इस वाली लाइन पे भी आइए, तो एक सीधी रेखा पे कितने डिग्री कोण बनता है, आप बोलेंगे 180, उस 180 में से पीटा पहले ही निकल गया, तो 180 से लेस करेंगे तभी इस बचे हुए एंगल की तो वैल्यू निकलेगी 180 माइनस बीटा। अब देखिए आप नेक्स्ट देखिए आप एम बनता हुआ दिख रहा है आपको, कहाँ पे एम बनता हुआ दिख रहा है, आप बोलेंगे ये वाला एम। अब जहां कहीं भी M बनता हुआ दिखता है एरो कंसेप्ट के माध्यम से, एरो कंसेप्ट के माध्यम से आपका ये वाला एंगल और इस वाले एंगल की वैल्यू जो होगी इस वाले एंगल के बराबर होगी। तो देखिए यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल आप यूज कीजिए, तो ये आपका गामा है, तो ये वाला एंगल भी आपका कितना हो जाएगा, गामा, करेक्ट। ये वाला एंगल भी हो जाएगा आपका गामा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब आप प्यारे तरीके से आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। देखिए तो देखिए ये आपका हो गया गामा, हाँ गामा, गामा को ऐसे भी लिखते हैं, और ये आपका स्टाइलिश वाई भी बना दो, ये वाला गामा इज इक्वल टू 180 माइनस बीटा। अब देखिए यहाँ पे माइनस का अल्फा माइनस का बीटा इस लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, तो हो जाएगी प्लस की वैल्यू, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हाँ इज इक्वल टू 180 टाइम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 360 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी आपका 100% करेक्ट है। नेक्स्ट आपका 9 नंबर, ये भी आपका क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा सा हेक्टिक लग रहा होगा, संभावित सी बात है। इन द ये आपका फिगर है, गिवन फिगर, इसमें आपको AB पैरेलल DE है, AB रेखा DE रेखा के पैरेलल है। इसके बाद फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स, देखिए यहाँ पे सप्लीमेंट्री को भी याद रखना है, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स। सबसे पहले इसको सॉल्व करें,
अब देखिए यहाँ पे अगर इस वाली लाइन को आप आगे बढ़ा दें तो कोई दिक्कत नहीं और आसान हो जाएगा। एक सीधी रेखा पे कितने डिग्री कोण बनता है आप बोलेंगे 180 डिग्री, करेक्ट। तो उस 180 में से 4x पहले ही निकल गया है तो इस एंगल का मान क्या हो जाएगा 180 माइनस 4x, करेक्ट। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे m बनता हुआ दिख रहा है, क्या m बनता हुआ दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे m बनता हुआ दिख रहा है ना, करेक्ट। तो जहां कहीं भी m बनता हुआ दिखता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 4x प्लस 3x। तो देखिए 5x ये देखिए 4x माइनस का 3x प्लस का कितना बचेगा 1x माइनस का, इधर आ जाएगा तो प्लस का 5x ऑलरेडी यहाँ पे है तो कितना हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू आप बिल्कुल आसान वे पे यहाँ से निकाल सकते हैं कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। x की वैल्यू आपको कितनी आई 30 डिग्री, पर देखिए 30 तो आपका कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हुआ, क्योंकि मैच इसलिए नहीं हुआ कि अभी ये आपका आधा अधूरा क्वेश्चन है, आधा अधूरा, अभी आपको इसको पूरा करना है। पूरा कैसे कर पाएंगे, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। जब आपने देखा तो x की वैल्यू आपकी 30 आई है, पर आपने सही से ध्यान नहीं दिया, इस वजह से इसका जो है कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल, सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल संपूरक कोण। अब जो वैल्यू आई है इसका संपूरक निकालना है, तो आपको बताया गया था किसी भी कोण का अगर पूरक निकालना है तो 90 से माइनस करेंगे। जस्ट अभी आपको एग्जांपल आपको देंगे आप, और किसी भी एंगल का आपको सप्लीमेंट्री निकालना है तो 180 से माइनस करेंगे। अब देखिए इसका आप जब सप्लीमेंट्री निकालेंगे, सप्लीमेंट्री जब आप इसका निकालेंगे तो 180 से आप लेस करेंगे किसको, 30 को, हाँ 180 डिग्री में से आप 30 जब लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 डिग्री। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद ये आपका आ गया 10 नंबर, हाँ चलिए 10 नंबर। 10 नंबर देखिए आपको क्या दिया गया है, 10 नंबर आपको दिया गया है इन द गिवन फिगर, ये आपका फिगर हाँ, AC इज इक्वल टू CD। AC रेखा आपकी कहाँ है, ये वाली AC जो साइड रेखा है वह CD, CD कहाँ है आपकी, ये इसके इक्वल में है ये वाली साइड जो है इसके इक्वल में है, करेक्ट। फाइंड करना है आपको एंगल BCT, एंगल BCT इस एंगल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, करेक्ट, और डिग्री फॉर्म में है, ठीक है। चलिए आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हाँ और आपको मैंने जस्ट बताया था क्या, फिर से जस्ट एक बार देख लें थोड़ा सा कि किसी भी एंगल का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री निकालना है, सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट समझा दें। चलो किसी भी एंगल का आपको अगर कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, क्या कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है या सप्लीमेंट्री निकालना है, पूरक कोटिपूरक, इसको दो नामों से जानते हैं, हिंदी मीनिंग क्या होती है जस्ट आप पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं, पूरक कोटिपूरक ये आपको बोलते हैं हिंदी मीनिंग संपूरक। किसी भी एंगल का आपको अगर कोटिपूरक निकालना है, किसी भी एंगल मान लो आपको कोई भी थीटा है, इसका अगर कोटिपूरक निकालना है इस एंगल का, जब आप इस एंगल कोटिपूरक तो इस थीटा को किससे बेटा 90 से लेस करेंगे, करेक्ट। इसके बाद किसी भी एंगल मान लो थीटा है, इस एंगल का अगर आपको सप्लीमेंट्री निकालना है तो फिर आप इस एंगल को 180 से माइनस करेंगे, 180 डिग्री से आप माइनस करेंगे, करेक्ट। एग्जांपल के माध्यम से समझिए आप,
एग्जाम्पल, अगर मैंने कह दिया कि 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री बताइए, 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री बताइए और 70 डिग्री का सप्लीमेंट्री बताइए, तो आप बता देंगे ना? बिल्कुल, किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री बताने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस 90 से माइनस कर देना है, 90 से माइनस कर देना है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 20 डिग्री। ठीक है, किसी भी एंगल का अगर आपको सप्लीमेंट्री निकालना है तो आपको 180 डिग्री में से माइनस करना है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 110 डिग्री। करेक्ट, समझ पाए सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट। इसके बाद आपको ये भी बता दें हम कि पहले क्वेश्चन वो देख लेते हैं क्या था ये, चलिए इसको सॉल्व कर ले, इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आपको फिर से बता रहे हैं वो वाला, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग है, नेक्स्ट लेवल पे है। चलिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया था, सबसे पहले देखिए क्या दिया गया। एसी साइड जो है आपकी, एसी साइड सीडी साइड के इक्वल में है, ये वाली रेखा इस वाले रेखा के इक्वल में है, तो आप यहाँ पे एक और क्लू वर्ड लिख लीजिए क्या, कि ये मान लो आपका क्या है, एक ट्रायंगल, साधारण एक ट्रायंगल है, हालांकि ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका क्या है, एक ट्रायंगल। अगर इस ट्रायंगल में इस वाले वैल्यू को हमने एंगल की वैल्यू दे दी आपको 40 और इस वाले एंगल की वैल्यू दे दी आपको 40, करेक्ट, तो इस वाले एंगल की वैल्यू आप बताइए मुझे क्या होगी, तो आप निकाल सकते हैं ना बिल्कुल आसान तरीके से। सबसे पहले आप देखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है कितना होता है, 180 डिग्री, ना ही इससे कम ना ही इससे ज़्यादा। हाँ, तो 180 में दो एंगल की वैल्यू कितनी है, 80 डिग्री, तो इस एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 100 डिग्री। हाँ, 100 डिग्री, करेक्ट। अब आपको ये देखना है कि अगर एंगल आपके दो, कोई भी दो एंगल आपके इक्वल हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। हाँ, चलिए, अगर कोई भी दो एंगल आपके इक्वल हैं तो उनके सामने की बेटा साइड भी आपकी इक्वल होगी। तो देखिए कौन से एंगल है आपके इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो इसके सामने, इस वाले एंगल के सामने कौन सी साइड है, ये वाली, इस वाले एंगल की कौन सी साइड है, ये वाली। ठीक है, तो ये दोनों साइड भी इक्वल होंगी और इसका जस्ट कन्वर्स भी ट्रूथ होता है। क्या कन्वर्स ये ट्रूथ होता है, अगर दो साइड इक्वल हैं, अगर कोई भी दो साइड इक्वल हैं तो इनके सामने का जो बेटा एंगल होगा, इस साइड के सामने कौन सा एंगल है, ये, इस साइड के सामने कौन सा एंगल है, ये एंगल की वैल्यू भी आपकी इक्वल होंगी, करेक्ट। चलिए, अब इसी दोनों कंसेप्ट का आपको इसमें यूज करना है, इसी दोनों कंसेप्ट का इसमें यूज करना है। चलिए, और एंगल सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, एंगल सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखिए, ये रेखा और ये रेखा आपस में इक्वल है, तो इनके सामने का जो एंगल होगा वो भी आपका एंगल इक्वल होगा। देखिए, इस साइड के सामने कौन सा एंगल है, 20, तो इस साइड के सामने भी आपका कितना होगा, 20, करेक्ट। फिर से रिपीट कर लेते हैं क्या, अगर आपकी साइड इक्वल है तो इनके सामने का एंगल भी इक्वल होगा, अगर एंगल इक्वल है तो इसके सामने की साइड भी इक्वल होगी, ये कन्वर्स इसका ट्रूथ होता है, करेक्ट। चलिए, अब आप देखिए यहाँ पे, अब आप देखिए कि यहाँ पे देखिए M बन रहा है, आप बोलेंगे बिल्कुल एरो कंसेप्ट बन रहा है ना, यस, हाँ एरो कंसेप्ट बन रहा है, तो इनका जो अंदर का योग होगा इस बाहर वाले योग के बराबर होगा, करेक्ट। चलिए, अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, 25। देखिए, अंदर के सभी कोणों का योग इस वाले कोण के बाहर के वाले कोण के बराबर होगा, 40, 40 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 20 इज इक्वल टू कितना है, एंगल सी प्लस 35 डिग्री, सी प्लस 35 डिग्री, करेक्ट, सी प्लस 35 डिग्री।
प्लस 35 डिग्री। इसके बाद यहाँ से आपको एंगल सी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, एंगल सी की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। देखिए इन सभी को ऐड कीजिए, कितना 20, 20 हो गया आपका 40, और 40 हो गया आपका 80, और 105 डिग्री, 105 डिग्री इज इक्वल टू कितना है, सी प्लस 35। अब आप एंगल सी की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं ना, आप कहेंगे बिल्कुल सर निकाल सकते हैं, तो एंगल सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हो जाएगा ये माइनस का इज इक्वल टू सी। तो एंगल सी की वैल्यू आप कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 70 डिग्री, कितनी 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। देख लेते थे क्या किया हमने, यहाँ पे देखते हैं किया हमने ये कि सबसे पहले इस क्वेश्चन अच्छा है आपका, फिर से रिपीट कर देते हैं इसको, क्या था कि इन द गिवन फिगर आपका है एसी साइड जो है सीडी साइड के इक्वल में, ये एसी रेखा आपकी जो है सीडी रेखा के इक्वल में है। जस्ट आपको कंसेप्ट पढ़ाया, अगर साइड इक्वल है तो आपके एंगल इक्वल होंगे, अगर एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल होगी। तो इस साइड के सामने 20 है तो इस साइड के भी सामने क्या हो जाएगा, 20। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे आपका एरो बन रहा है, एरो आप कहेंगे बिल्कुल, तो एरो जहाँ भी बनता है तो इनके अंदर वाले का जो योग होता है बाहरी वाले कोण के बराबर होता है। तब आपने यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली, और आसान तरीके से आपने कौन सा ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर सी आपका जो कि करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। और सप्लीमेंट्री कम्प्लीमेंट्री निकालने का कंसेप्ट भी आपने समझ लिया। इसके बाद बेटा मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना ना भूलें, और मल्टीपल टाइम क्लासेस को रिपीट भी करके आइएगा। और हम आपको ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहे हैं, सभी आप करके आएंगे, और कमेंट बॉक्स में आंसर देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।